डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू इंसर्ट इमेज इन कोड ब्लॉक आईडी। स्टूडेंट, इमेज को इंसर्ट करने से पहले आपको क्या क्या काम करना चाहिए आप इस वीडियो में ध्यान से देखिए। देखिए, यहाँ पर टेस्ट नाम का एक फोल्डर बनाया गया है। टेस्ट नाम का जो फोल्डर बनाया गया है, इसी नाम से कोड ब्लॉक में C++ का प्रोजेक्ट भी हम लोग बनाएंगे। टेस्ट नाम के फोल्डर में ही हम लोग डिफरेंट इमेजेस को रखेंगे। जैसे यहाँ हम लोग डिफरेंट इमेज को रखे हैं, CIT1, CIT2, ये डिफरेंट इमेज फाइल है। और इस फाइल का जो एक्सटेंशन है ये JPG है। देखिए, यहाँ पर JPG एक्सटेंशन है। इस फाइल का डायमेंशन 1282x686 है। तो जनरली यूट्यूब में जो थंबनेल है उसका साइज होता है 1280x720 होता है। तो आप अपने इमेज फाइल को उस साइज का बना करके सेम फोल्डर में आपको रखना बहुत ही जरूरी है। स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आप लोग कोड ब्लॉक को इंस्टॉल कर लिए होंगे और हम अपने पिछले वीडियो में आपको समझाए थे हाउ टू सेटअप द कोड ब्लॉक टू एग्जीक्यूट ग्राफिक्स प्रोग्राम। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। हम उस वीडियो के लिंक को आई बटन में दे देंगे। तो यहाँ प्रोग्राम लिखा गया है, हैस इंक्लूड graphics.h और conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया गया है। इनिट विंडो मेथड के हेल्प से विंडो के साइज को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हम लोग यहाँ ले रहे हैं 1280 और विंडो का जो नाम है उसे हम रख रहे हैं CIT एनिमेशन। ठीक, और यहाँ पर रीड इमेज फाइल नाम का फंक्शन है। इस फंक्शन में पहला आर्गुमेंट जो है वो JPG फाइल है, जो कि इमेज फाइल है। यहां पर 00 जो है ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है और ये लेंथ है एंड ये विड्थ है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं, बिल्ड एंड रन। तो देखिए, यहां पर आउटपुट दिख रहा है वेलकम टू CIT। इसी तरह से और भी इमेज को अगर इंसर्ट करना है तो आप इसे कॉपी करेंगे और यहां पेस्ट करते चलेंगे। तो हमारे पास 10 फाइल है तो हम 10 टाइम्स कॉपी कर लेंगे। और यहां क्या करेंगे, ये 1 है इमेज, यहां पर 2 है इमेज, यहां 3 होगा, यहां 4 होगा। आप पहले से अरेंज करके रख लीजिए इमेज को। डिले फंक्शन में हम लोग 1000 मैक्रो सेकंड पास कर रहे हैं, जो कि 1 सेकंड के बराबर है। तो पहला इमेज जो है वो 1 सेकंड तक ये दिखेगा। अगर हम चाहते हैं कि पहला इमेज जो है वो 2 सेकंड तक दिखे तो 2000 लिखना पड़ेगा। डिले फंक्शन जो है हर जगह 2000 अप्लाई कर देते हैं। तो डिले फंक्शन जो है हर इमेज के बाद जो है हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और यहां 2000 लिख रहे हैं, 2 सेकंड के लिए हर इमेज जो है वो दिखेगा आपको। तो चलिए इसे सेव करते हैं। पहले सेव करने के बाद इसे रन करते हैं। तो देखिए, आपको आउटपुट दिख रहा है। इस तरह से आप C++ में ग्राफिक्स एनिमेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे वीडियो के हेल्प से अपने मशीन में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कमेंट लाइन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।